ब्लू बेल स्कूल अहमदाबाद में रंगोत्सव सेलिब्रेशन आयोजित, जो इंटरनेशनल कंपटीशन आयोजित की जा रही है, उसी श्रृंखला की ये जो कड़ी है यहाँ पे इंटरनेशनल इवेंट की, उसमें अभी हमारे साथ मौजूद है IDP कैंपस की प्रिंसिपल श्वेता मैम। मैम नमस्कार। नमस्कार सर। मैम मुझे आप एक बात बताइए कि जैसे कि अभी पोस्ट कोविड एरा जो है, मतलब कोरोना के बाद की जो हालत है स्टूडेंट्स की, हर पेरेंट्स की कंप्लेंट ये है कि बच्चे लोग पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। और जो हमारी प्रतियोगिता है, जिसमें चाहे कॉटन मेकिंग हो, कॉलेज मेकिंग हो, हैंड राइटिंग हो, स्केचिंग हो, तो ये जो प्रतियोगिताएं है ये एक तरीके की साधना है, क्योंकि जो हम लोग मेडिटेशन करते हैं या जो हम लोग योगा करते हैं, जिससे स्टूडेंट का फोकस बने पढ़ाई पे, तो इन प्रतियोगिता के ज़रिए उनका फोकस बढ़ने में मदद हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। और सबसे पहले तो मैं थैंकफुल हूँ रंगोत्सव कंपटीशन की तरफ से, रंगोत्सव जगह जो मैनेजमेंट है, जैसा कि ये नाम बोला गया रंगोत्सव, मतलब रंगों से भरा हुआ। तो बच्चों को, जैसा कि सर ने अभी बताया कि कोविड के समय से बच्चे अभी बहुत प्रेशराइज हो गए हैं, और हमें पता है एज अ पेरेंट हम जानते हैं कि एक मोटिवेशन जो चीज़ है वो उसके बीच में और प्रेशर के बीच में देर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन इट। और पेरेंट्स ऑलवेज क्या करते हैं, वो प्रेशराइज कर करके, अभी जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं सब है, तो वो लाइन कहीं ना कहीं क्रॉस हो रही है। ये इस तरीके के कॉम्पिटिशन्स बच्चों को, एक लाइट हार्टेड कॉम्पिटिशन्स रहते हैं, बच्चों को स्किल्स, उनका स्किल डेवलप कर सकते हैं बच्चे अपना। इवन इन कॉम्पिटिशन्स के जो टॉपिक्स हैं बहुत अच्छे हैं, उसके अंदर बच्चे अपना करियर भी फोकस कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है एकेडमिक के साथ साथ बच्चों को कहीं ना कहीं अपने हॉबीज़ के लिए, टैलेंट के लिए जो एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, इट्स वेरी वास्ट एंड वी आर वेरी थैंकफुल कि बच्चों ने अपनी प्रतिभा को आगे लेके जा सकेंगे इस प्लेटफॉर्म। तो आपका ये कहना है कि इस तरीके की जो भी प्रतियोगिता होती है, इनसे बच्चों के अंदर छिपा हुआ जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, वो बाहर आती है, प्लस इससे जो उनका करियर ओरिएंटेड भी। सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके के कंपटीशन बच्चों के स्ट्रेस बूस्टर, जो पढ़ाई पढ़ाई कर करके बच्चे थक जाते हैं, उसके लिए सबसे बड़ा है कि बच्चों ने नेशनल दिया, उसमें टॉप करे, अब ये इंटरनेशनल लेवल पे आए हैं, इट इज़ गोइंग टू गिव देम अ सेल्फ कॉन्फिडेंट। बहुत होते हैं बच्चे इसके अंदर, उनमें अपना कॉन्फिडेंस आता है। और दूसरी बात कि पेरेंट्स को भी अब ये लगता है कि हाँ नहीं, हमारे बच्चे चलो पढ़ाई के साथ साथ दूसरी फील्ड में भी आगे जा रहे हैं, सो दे शुड ऑल्सो बी अवेयर ऑफ कि हाँ भाई हमारे बच्चे के अंदर ये टैलेंट है, तो पेरेंट्स कैन ऑल्सो हेल्प देम टू डेवलप देयर दीज स्किल्स। ओके, सो यू मीन टू से दैट दीज टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन आर गोइंग टू हेल्प देम एज अ स्ट्रेस बूस्टर एंड विच